हेलो एवरीवन, वेलकम टू द अनएकेडमी। स्वागत है दोस्तों आप सभी का अनएकेडमी यूजीसी नेट में। सबसे पहले तो गाइस गुड इवनिंग एवरीवन, आप सभी को गुड इवनिंग। गाइस आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन करने वाले हैं और आज का जो सेशन आपका होने वाला है वो है आपका ओलंपिक खेलों का इतिहास। आज हम जानेंगे कि जो ओलंपिक खेल हैं वो कब से शुरू हुए, कौन से देश से शुरू हुए, बीच में एक ब्रेक आया था, फिर कब से शुरू हुए। एक आपके एंशियंट ओलंपिक गेम्स होते हैं, एक आपके मॉडर्न ओलंपिक गेम्स होते हैं, उन दोनों को हम डिस्कस करेंगे। आपके विंटर ओलंपिक्स होते हैं, आपके समर ओलंपिक्स होते हैं, ये सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप सबको पता है गाइस, रिसेंटली आपका टोक्यो ओलंपिक हुआ है। आप सबने देखा कि रिसेंटली आपका क्या हुआ है, टोक्यो ओलंपिक हुआ है और काफ़ी चर्चा में भी आपका रहा है टोक्यो ओलंपिक। एक्चुअली में ये ओलंपिक होना था लास्ट ईयर, लेकिन ड्यू टू कोविड ये आपका क्या हो गया था, शिफ्ट हो गया था। और ये टोक्यो ओलंपिक अभी जुलाई 23 से और अगस्त 8 के बीच में आपका आयोजन किया गया था, जो कि जापान के साथ टोक्यो में हुआ था। तो आज हम इस ओलंपिक का पूरा इतिहास जानने की कोशिश करेंगे कि कब से शुरू होता है। ठीक है, जैसे कि आप सब लोग देखेंगे कि गाइस जो ओलंपिक्स हैं वो आपके 8th सेंचुरी बीसी यहाँ से आपका ओलंपिक का इतिहास है। तो काफ़ी लंबा चौड़ा आपका इतिहास है। आप बोल सकते हैं कि करीबन करीबन ओलंपिक्स आपके हैं 2800 साल पहले, लगभग 3000 साल आप बोल सकते हैं, 3000 साल पहले का इनका इतिहास है। 2800 साल पहले ओलंपिक्स है वो शुरू हो चुके थे आपके। तो आज हम ये पूरा का पूरा डिस्कशन करेंगे कि कहाँ से आपके स्टार्ट होते हैं और हम टोक्यो तक का सफर है वो कैसे हमने तय किया है। सो एक बार आप सब लोग इस सेशन को शेयर कर दीजिए, एवरीवन प्लीज लाइक एंड शेयर द सेशन। सबसे पहले तो गाइस ये मेरा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन है, उसके बाद में आपको मेरी प्रोफाइल का लिंक अनअकैडमी में, अनअकैडमी की प्रोफाइल का लिंक ऑलरेडी आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो वहां से जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। उसके बाद में अभी आपके ऑफर चले हैं गाइस, 31 जुलाई तक आपका ऑफर है, तो इस ऑफर को मिस मत कीजिए। एग्जाम डेट भी आ चुकी है जैसा कि पता है। तो अभी मेरा बैच चल रहा है आपका पेपर वन का, पेपर टू का भी बैच आपका आने वाला है हिस्ट्री का, और पेपर वन का ऑलरेडी चल रहा है। तो जिसको भी ज्वाइन करना है, अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना है, तो रेफरल कोड शिव10 अप्लाई करें, 10% डिस्काउंट मिलेगा और सिंगल सब्सक्रिप्शन में दोनों पेपर आपके तैयार हो जाएंगे। ये प्लान है आपके 24-12 मंथ रेफरल कोड जैसे अप्लाई करेंगे तो आपको 10% डिस्काउंट यहाँ से मिल जाएगा। आइकॉनिक भी ज्वाइन कर सकते हैं गाइस, आइकॉनिक या प्लस जो भी पसंद आए उसको ज्वाइन कीजिए। रेफरल कोड अप्लाई करेंगे 26,000 से आपकी फीस हो जाएगी 23,400। ठीक है, ऑफर जैसा कि मैंने बताया 31 अगस्त तक आपका एक्सटेंड हो चुका है। ड्यू टू डेट, आपकी डेट आ चुकी है गाइस, तो स्टूडेंट की जो उनकी जो बेनिफिट्स हैं उनको ध्यान में रखते हुए इसको क्या किया है, थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया है 6+2 एंड 12+2। 6 महीने के साथ में 2 मंथ का एक्स्ट्रा मिलेगा एंड 12 मंथ के साथ में भी 2 मंथ का एक्स्ट्रा मिलेगा। ये सारे के सारे बेनिफिट्स आपको जो प्लक्स एंड आइकॉनिक में मिलते हैं, ज़्यादा बेनिफिट आपको आइकॉनिक में मिलेंगे क्योंकि पर्सनल कोच, स्टडी प्लानर, स्टडी बूस्टर सेशंस, ये सब आपको मिलता है। ये बैच कोर्सेज हैं गाइस जो कि रिसेंटली 11 अगस्त से स्टार्ट हुए हैं, इनको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये मेरा शेड्यूल है जो कि डेली आपकी क्लासेस होती हैं ओना अनअकैडमी एंड प्लस। डिस्क्रिप्शन में आपको सारे के सारे लिंक्स दिए हैं, सब्सक्रिप्शन का लिंक भी है, स्पेसिफिक क्लासेस का लिंक भी है, तो वहां से जाके आप सब्सक्राइब कर सकते हैं गाइस। और ये प्रोफाइल है, अगर आपने फॉलो नहीं किया तो यहां से आप मुझे फॉलो भी कर सकते हैं। तो गाइस शुरू करते हैं सेशन आज का। चलो जी, तो देखो अभी जो हम हैं वो है टोक्यो ओलंपिक्स में। ठीक है, टोक्यो ओलंपिक्स रिसेंटली आपके 8 अगस्त को ही समापन इनका हुआ है और हमारे भारत के नीरज चोपड़ा हैं, उन्होंने एक गोल्ड मेडल भी जीता है इसमें। एक्चुअली में गाइज ये टोक्यो ओलंपिक्स 2020 में होना था लेकिन इसको एक्सटेंड कर दिया गया था ड्यू टू कोविड, तो कोविड के कारण गाइज ये 2021 में हुआ है जापान के टोक्यो से। अब देखो जो हमें रिटर्न रिकॉर्ड मिलते हैं ओलंपिक के, एंशियंट ओलंपिक, देखो मैंने पहले ही बताया था एक तो एंशियंट ओलंपिक है आपके और एक आपका है मॉडर्न ओलंपिक। एक कौन सा है, मॉडर्न ओलंपिक। एक तो प्राचीन ओलंपिक है, एक आपका मॉडर्न ओलंपिक है। तो प्राचीन ओलंपिक की जब मैं बात करता हूं तो इसका रिटर्न रिकॉर्ड आपको मिलता है 776 BC, यानी हम मान सकते हैं कि 800 बीसी में आपका इसके रिकॉर्ड्स हैं वो आपको मिलने लग गए थे गाइस। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि करीबन करीबन आज हम 2021 में हैं, तो आप बोल सकते हो कि 3000 साल का करीबन इसका क्या है, हिस्ट्री आपकी है वो रही है, 3000 साल की लगभग हिस्ट्री रही है, या आप बोल सकते हैं 2800 साल की हिस्ट्री है आपकी ओलंपिक्स गेम्स की। ठीक है, ओलंपिक खेलों की हिस्ट्री है, इतिहास है वो 2800 साल पुराना आपका इतिहास है। अब देखिए
जो ओलंपिक्स की जो स्टार्ट होती है गाइस वो कहाँ से होती है, वो ग्रीक से होती है स्टार्ट, ठीक है। ग्रीक के एक ओलंपिया शहर है वहां से इसकी स्टार्ट होती है, और आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा माउंट ओलंपस, माउंट ओलंपस का भी नाम पढ़ा होगा आपने। तो जो ग्रीक सिटी है आपकी ओलंपिया, वहां से इसकी क्या होती है, स्टार्ट होती है। अब देखो अगर आप हिस्ट्री के स्टूडेंट हैं तो आपको पता होगा कि जो ग्रीक है वो पहले डिफरेंट डिफरेंट सिटीज में आपका डिवाइडेड होता था, यानी वहां पे क्या था, पहले सिटी स्टेट सिस्टम आपका हुआ करता था। तो होता क्या है गाइस, ये है आपका ग्रीस, ठीक है, और ग्रीक्स में आपका जो ओलंपिया जो सिटी है वहां से ये गेम्स की है वो शुरुआत आपकी होती है। अब देखो एंशियंट ओलंपिक्स यानी प्राचीन ओलंपिक लगभग होता क्या है, इसकी शुरुआत जैसा कि मैंने बताया कि 3000 साल पहले ग्रीस में पहली बार कोई एथलेटिक कॉन्टेस्ट है वो करवाया गया था, यानी एक एथलेटिक प्रतियोगिता है उसका आयोजन हुआ था गाइस। अब देखो ये अगर आपने हिस्ट्री में थोड़ा बहुत पढ़ा है कि 6th सेंचुरी के बाद में वहां पे क्या होता है, जैसे कि हमने बात की सिटी स्टेट सिस्टम होता है वहां पर, तो यहाँ पे मेजर कुछ सिटीज होती हैं और वहां पे हर साल क्या होते हैं, खेल उत्सव होते हैं, ठीक है। तो एक तो होता है ओलंपिया, एक डेल्पी, एक निमिया और एक क्रोटिन क्रूतिन, ठीक है। यहाँ पे हर साल क्या होते थे, गेम्स होते थे गाइस, ठीक है, और बेसिकली इनको हम क्या बोलते हैं, क्लासिकल गेम्स बोलते थे, जिनका धीरे धीरे क्या होगा, उनका वर्चस्व बढ़ने लगा, लेकिन अंतिम में क्या होता है कि जो आपका ओलंपिया है, ठीक है, वहां के गेम्स हैं वो काफी फेमस हो गए, यानी ओलंपिक्स। ओलंपिया में क्या होते थे, ओलंपिक्स। डेल्पी में क्या होते थे, पार्थियन, ठीक है, और नीमिया में क्या होती, नीमियन गेम्स होते थे, और क्रोथिन में क्या होते, स्तामियन, ठीक है, स्तामिन स्मियन गेम्स हैं वो होते थे। लेकिन होता क्या है कि जो ओलंपिया शहर वाला जो गेम्स था, ओलंपिक गेम्स, वो सारा आपका थोड़ा सा फेमस हो जाता है गाइस, ठीक है। तो होता क्या है कि जब ओलंपिक्स जब गेम होते हैं, है ना, ओलंपिया वाला जो होता है वो थोड़ा सा फेमस हो गया उसमें। अब देखिए अब होता क्या है कि ये जो ओलंपिक गेम है इनकी जो प्रसिद्धि है गाइस वो काफ़ी बढ़ने लगी, और ये हुआ क्या कि हर साल अगस्त से और सितंबर के बीच में आपके ये गेम्स होते थे। अभी जो गेम्स हुए हैं वो भी गाइस आप देख लीजिए, अगस्त सितंबर में या जुलाई अगस्त में आपके हुए हैं, तो हर 4 साल के बाद में ये जो ओलंपिक गेम्स हैं ये ओलंपिया में होने लगे, हर 4 साल बाद, याद रखें, ठीक है। अब यहाँ से हर 4 साल बाद होने लगे, और हुआ क्या कि गाइस ये इतना फेमस हो गया, ठीक है, तो ग्रीक हिस्टोरियन ने इसको क्या बोला, ओलंपियाड ही बोल दिया, यानी 4 साल के बाद क्या होने लगा, आपका एक ओलंपियाड होने लगा, इसको जरूर याद रखिए, 4 साल के बाद क्या होने लगा, एक ओलंपियाड होने लगा गाइस, ठीक है। और जैसा कि हम देखते हैं गाइस, ये जैसे हमारे धार्मिक उत्सव होते हैं वैसे ही आपके होने लगे खेल उत्सव, ठीक है, क्या होने लगे, आपके खेल उत्सव के रूप में ये बदलने लग गया, खेल उत्सव। तो ये बहुत ही लोग इसमें बहुत ही जोश और जुनून से क्या करने लगे, पार्टिसिपेट करने लगे गाइस, ठीक है। अब देखो जो एंशियंट ओलंपिक जो गेम्स हुए थे गाइस, है ना, वो जैसा कि मैंने बताया कि ये जैसे धार्मिक हम गेम्स कराते थे, धार्मिक जो उत्सव होते थे, उसी की तरह इसको भी एक धार्मिक उत्सव के रूप में ही लेने लगे, ठीक है, धार्मिक उत्सव के रूप में ही इसको लेने लगे। और पेलोपोनिस एक शहर था, है ना, पेलोपोनिस एक शहर होता है, वहाँ पे गाइस इसको एक्चुअल में ऑर्गेनाइज करवाया गया था, और इसको वो रिलीजन से लेके जोड़ते थे गाइस, जो ग्रीक थे, जो ग्रीक लोग थे वो इसको किससे लेके जोड़ते थे, धर्म से लेके इसको जोड़ा करते थे गाइस, ठीक है। अब देखो और जीसस जो उनके गोट थे उनके ओनर में इसको वो कराने लगे गाइस। अब देखो यहाँ पे ये आपका ओलंपिया, ओलंपिया से इसकी क्या होती है, शुरुआत होती है गाइस, किसकी, ओलंपिक्स गेम्स की। कब शुरू होती है, 8th सेंचुरी BC में इसकी शुरुआत हुई, ये अभी तक मैंने आपको बताया था गाइस, ठीक है। और ये जो ओलंपिक्स गेम्स थे इनको धार्मिक उत्सव के रूप में वहां पे देखे जाने लगा। अब देखो ये पिक्चर को ध्यान से देखना गाइस, आज भी ओलंपिक की मशाल है वो यही जलाई जाती है ओलंपिया शहर में, ठीक, आज भी इसकी जो मशाल है वो यहीं से आपकी जलाई जाती है, और फिर पूरे देश में घूमती हुई फाइनली जहां पे ओलंपिक्स होने होते हैं वहां पे जाती है गाइस, ठीक है। तो आज भी ये देखो ये खंडर्स वगैरह है, आज भी यहीं से ये मशाल जलती है आपकी, और पूरे विश्व में ट्रेवल होती हुई जहां पे इसका वेन्यू होता है, जैसे फॉर एग्जांपल टोक्यो ओलंपिक्स हुए हैं,
तो ये टोक्यो में आपकी पहुंची होगी। तो ये जो मसाल है टोक्यो में पूरे वर्ल्ड को ट्रेवल करती हुई करीबन एक साल में वहां पे जाके पहुंचती है। ठीक है, तो ये हो गया आपका पूरा का पूरा एक एंशियंट जो ओलंपिक्स है उनकी शुरुआत कैसे होती है गाइस। ठीक है, तो देख पहली जो रेस हुई थी उसको बोलते हैं स्टेडियन। ये जो रेस हुई थी पहले आपकी फुट रेस हुई थी गाइस, सबसे पहली जो रेस होती है उसको बोलते हैं स्टेडियन, STADION, स्टोडन। स्टेडियन से ही आपका स्टेडियम शब्द है उसका उत्पत्ति हुई है। स्टेडियम आप देखते हो क्रिकेट के स्टेडियम होते हैं, हर किसी गेम्स के आपके अलग अलग स्टेडियम होते हैं, तो स्टेडियम जो पहली फुट रेस हुई थी वहीं से आपका स्टेडियम है उस शब्द की आपकी क्या होती है उत्पत्ति होती है गाइस। ठीक है, उसके बाद में होता क्या है गाइस कि बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है ये कौन है गाइस, कोरोबस, जो मैंने आपको पहली स्लाइड में देखिए जहां से हमने शुरुआत की थी इसकी। यहाँ पे आप देखो कि पहला जो रिटर्न रिकॉर्ड मिलता है वो कोरोबस का मिलता है। ठीक है, जो कि एक कुक थे, सिंपल क्या थे, एक पकाने वाले थे गाइस। अब हुआ क्या कि अब क्या होता है जनरली अभी जो होते हैं वो प्रोफेशनल्स होते हैं। पहले क्या होते थे गाइस कि पहले जैसे कोई भी जाके पार्टिसिपेट कर सकता था, यानी आप किसी ऑफिस में काम कर रहे हैं तो भी ओलंपिक्स में जाके पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो हुआ क्या कि कुक था, ये भी पहुंच गया था वहां पे, कोरोबस, तो इसने पार्टिसिपेट किया और ये रेस है वहां की जीत जाता है। हुआ क्या था कि 192 मीटर की गाइस क्या होती है वहां पे फुट रेस होती है। ठीक है, आज भी होती है ना, जैसे 50 मीटर, 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर, 800 मीटर ऐसे रेसेस होते हैं। तो 192 मीटर की वहां पे क्या हुई थी, दौड़ हुई, भाग दौड़ हुई, और उस भाग दौड़ में कोरोबस है वो विजेता रहा था। और ये है आपके कोरोबस जो कि एक सिंपल साधारण से क्या थे, कुक थे गाइस। तो पहला जो खिताब जाता है, चैंपियन का जो खिताब जाता है वो कोरोबस के द्वारा जाता है गाइस। तो प्लीज इसको सब लोग याद रखना, 192 मीटर की स्प्रिंट रेस है वो इनके द्वारा क्या जीती गई थी गाइस। उसके बाद में गाइस जैसे पहले तो रेस हुआ करती थी आपकी फुट रेस, फिर धीरे धीरे लोग और भी गेम्स आपके इंक्लूड होते गए, जैसे कि रेसलिंग, बॉक्सिंग, जेवलियन थ्रो, पेंथालियन, क्विस्ट्रियन, चैरियट रेसिंग, ये सारे के सारे, जैसे कुश्ती, मुक्केबाजी, भाला फेंक, पेंथालोन, घुड़सवारी, रथ दौड़ आदि ये ऐड होती गई थी। अब देखो यहाँ पे इंटरेस्टिंगली एक चीज देखिए गाइस, इस फोटो को देख के आपको लग रहा होगा कि ये लोग बिल्कुल नेक्ट होके गेम्स खेलते थे, यानी निवस्त्र होके ये गेम्स खेला करते थे, कपड़े वगैरह नहीं पहनते थे। क्यों नहीं पहनते थे, इसके पीछे भी एक रीजन है गाइस, क्योंकि उस टाइम पे ड्रेसेस होती वो बहुत भारी भारी होती थी ना, तो उतना भार वगैरह इन सब का इश्यूज होता था, तो ये ड्रेसेस होती थी इनके नहीं पहनते थे, ये नेक्ट होके की लड़ाई लड़ते थे। ठीक है, अब गाइस एक चीज याद रखना कि बहुत सारे गेम्स होते थे जैसे डिस्कस थ्रो, लॉन्ग जंप, जेवलियन, क्विस्ट्रियन है ना, ये चैरियट रेस होती है आपकी बेसिकली, रथ ना, रनिंग इवेंट्स होते थे, बॉक्सिंग होती थी, ये सारे के सारे हुआ करते थे। एक नया एक गेम्स और होता था गाइस, पैंक्रेथन। ठीक है, अब ये क्या होता था, ये बेसिकली आप देख सकते हो ये बॉक्सिंग और रेसलिंग का ही कॉम्बिनेशन है, बॉक्सिंग प्लस रेसलिंग। अब ये इस तरह से होता था, जैसे आपने देखा होगा ना फ्री फाइटिंग होती है, मतलब आप कहीं भी मार दीजिए, तो इसकी एक शर्त हुआ करती थी पैंक्रेथन की कि आप किसी को काट नहीं सकते हैं और किसी के आईज में अटैक नहीं करोगे, बाकी कहीं भी मार दो आप, फ्री फाइटिंग होती थी आपका, है ना। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं, पैंक्रेथन क्या होती थी, एक फ्री फाइट होती थी जिसमें आप कहीं भी किसी को कुछ भी मार दो, बट आपको क्या करना है उसकी आईज और उसको काटना नहीं है किसी चीज से, ये होता। ठीक है, उसके बाद में गाइस हुआ क्या कि स्टार्टिंग में तो ये एक दिन का ही होता है आपका, है ना, एक ही दिन प्रतियोगिता होती है, लेकिन बाद में ये 4 दिन का होने लग गया, है ना, और 5वां दिन होता था वो एक समापन समारोह होता था, जैसे आज भी होते हैं जब गेम्स ऑफ होते हैं तो एक पार्टी वार्टी रखी जाती है, सब लोग मिलते हैं, खाना वाना खाते हैं, तो जो चैंपियंस होते हैं बेसिकली उनको बेसिकली बोलते हैं ना कि उनको बधाई वगैरह देने का एक जो पुरस्कार सेरेमनी होती है उसका आयोजन करवाने जाने लगा। अब देखो हुआ क्या कि यहाँ पे जो ग्रीस है और जो रोमन है यहां से वो दोनों अलग हो जाते हैं गाइस। अब वो दोनों जैसे ही अलग होते हैं तो रोमन्स हैं
उनको ये ग्रीस के जो गेम्स होते थे ये उनको पसंद नहीं आते। अब इन रोमन्स ने क्या बोला कि भाई हम तो आपके गेम्स हैं वो पसंद नहीं करते, क्या बकवासबाजी करते रहते हो, ठीक है हम नहीं आपके गेम्स में पार्टिसिपेट करते। अब हुआ क्या कि 2nd century BC में, दूसरी शताब्दी में, ग्रीस ने रोम से अपनी स्वतंत्रता खो दी, ठीक है। तो अब होने क्या लगा कि जो ओलंपिया है, जो हमने बात किया था गाइस, जो ओलंपिया है वहां पे इस गेम का थोड़ा सा क्रेज है वो कम होने लगा, क्योंकि इस पे प्रतिबंध लगना स्टार्ट हो गया, ठीक है। अब इससे प्रतिबंध लगना स्टार्ट हुए तो हुआ क्या कि रोमन्स हैं उन्होंने पार्टिसिपेट बनना करना बंद कर दिया, और ना ही वो उसको किसी को ट्रेन करते थे गाइस। इसकी जगह जो रोमन्स होते थे गाइस, है ना, वो उनका एक अलग ही गेम चलता था जिसको हम ग्लैडिएटर बोलते हैं गाइस, है ना। ग्लैडिएटर का मतलब क्या है, ये इस तरह का होता था, और ये ग्लैडिएटर होते थे गाइस ये इंटरटेनमेंट के पर्पज से होते थे। लेकिन जो ग्रीक वाला गेम था, जैसे कि हमने बताया ग्रीक्स तो गाइस बहुत पक्के थे, वो तो धार्मिक उत्सव इनको मानते थे, उत्सव इनको मानते थे। जो रोमन्स थे ये इसको कंटेस्ट बोलते थे, कॉन्टेस्ट बोलते थे गाइस, और रोमन्स है, रोमन्स इसको क्या बोलते हैं, रोमन्स इसको बोलते हैं गेम्स। तो गेम्स का मतलब फॉर द इंटरटेनमेंट पर्पसेस, ये अपनी जनता को खुश करने के लिए करवाते थे। लेकिन जो ग्रीक्स हैं वो इसको कॉन्टेक्स्ट मानते थे, यानी प्रॉपर गेम्स मानते थे। तो दोनों में थोड़ा सा तनातनी चला, और फाइनली हम देखते हैं 400 AD तक आते आते इन्होंने क्या किया, इस गेम्स को बंद कर दिया गाइस, ठीक है। यानी जो ओलंपिक्स गेम है वो फाइनली क्या कर दिए जाते हैं, अबोलिश कर दिए जाते हैं, ठीक है। अब देखना 400 AD में गेम्स कंप्लीटली बंद कर दिए जाते हैं गाइस, है ना। फिर 400 AD के बाद में 1821 में ये दोबारा से क्या होता है, पुनर इनका जन्म होता है गाइस, पुनर्जीवित ये हो जाते हैं, कौन, ओलंपिक्स के। अब जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में आपको एक चीज बोली थी कि दो पार्ट में हम डिवाइड करते हैं, एंशियंट ओलंपिक्स और एक आपका मॉडर्न ओलंपिक्स, मॉडर्न ओलंपिक्स। तो ये पुराना वाला जो एंशियंट ओलंपिक्स था उसका खेल 400 AD में खत्म हो चुका है, मॉडर्न ओलंपिक्स उसकी शुरुआत होती है 1821 में, ठीक है जी। तो 1821 में इसकी शुरुआत होती है, बेसिकली दोबारा इसको रिवाइव करवाया जाता है। जो ग्रीक है ना, वो ओटोमन एम्पायर से अलग हो जाते हैं। ओटोमन एम्पायर जैसे कि आप सबको पता है 1453 में आपका ये बेसिकली फॉल ऑफ द ओटोमन एम्पायर होता है, है ना। फिर 1821 में आके आप देखेंगे कि जो ग्रीक है वो फाइनली इंडिपेंडेंट होते हैं, दोबारा से अपने खेलों को वो जीवित करने की थोड़ा सा कोशिश करते हैं, ठीक है। ये आपका ओटोमन एम्पायर है गाइस, और ये आपके ग्रीक्स हैं। अब ग्रीक क्या है, 1821 में क्या हो जाते हैं, आजाद हो जाते हैं गाइस। ये आजाद होने के बाद में दोबारा से ये सोचते हैं कि दोबारा से कुछ ना कुछ हमारा जो ओटोमन एम्पायर है उसको हम, जो ग्रीक एम्पायर है उसके जो खेल है, है ना, उसको दोबारा से वो जीवित करने की कोशिश करते हैं गाइस। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है कि सबसे पहले इनकी जो शुरुआत होती है वो धीरे धीरे होती है गाइस। सबसे पहले जपास ओलंपिक होते हैं। अब जपास ओलंपिक्स क्या थे, बेसिकली ये जपास ओलंपिक्स एक ग्रीक रोमानियन फिलेंथ्रोपिस्ट थे, इन्होंने ग्रीक के राजा से ओटो से लिखा कि हम आपको फंड करेंगे और आप ओलंपिक गेमों को दोबारा से रिवाइज कीजिए, ठीक है। तो 1859 में जपास ने पहला ओलंपिक क्या किया, स्पॉन्सर किया, ठीक है, जो कि कहाँ पे हुआ था, एथेंस में हुआ था गाइस, ठीक है। और इसमें बहुत सारे एथलीट्स ने पार्टिसिपेट किया, है ना, फ्रॉम द ग्रीस एंड ओटोमन एम्पायर के जो एथलीट्स थे उन्होंने जपास ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट किया 1859 में, जो कि एवेलोंजस जपास जो कि एक फिलेंथ्रोपिस्ट थे उन्होंने इस गेम को क्या किया, स्पॉन्सर किया गाइस, ठीक है। ये देखिए एथेंस का ग्राउंड, और ये उसके बाद में गाइस ये हो गया। उसके बाद में इसी के साथ में एक वेल्लोप ओलंपिक्स होते हैं, उन्होंने भी गाइस ओलंपिक्स गेम को स्टार्ट करने की कोशिश की, है ना। और एक और होते हैं गाइस, वेल्लोप ओलंपिक्स होते हैं, एक पेनी ब्रुक होते हैं गाइस, ठीक है, पेनी ब्रुक्स। अब ये पेनी ब्रुक कौन होते हैं इसका मैं आपको बताता हूं, ये है आपके पेनी ब्रुक, ठीक है। ये पेनी ब्रुक है, एक है वेल्लोक, ये आपके हैं वेल्लोक, ठीक है। अब यहां पे देखिए कि
ये सॉरी ये है बैरोन पियरेस, ठीक है, ये बैरोन पियरे हैं गाइस, और ये काफी अमीर व्यक्ति होते हैं। तो इन्होंने 1890 में इन्होंने इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी उसका फाउंडेशन किया, जो कि आज भी है। आज भी आपका इंटरनेशनल ओलंपिक्स कमेटी है जिसका फाउंडेशन हुआ 1890 में। एक तो बोरन पेरिस, एक आपका वोनलोक, ठीक है, और एक पेनीब्रुक। ये तीन लोग होते हैं गाइस जो मॉडर्न ओलंपिक्स को जिंदा करने के पीछे इनकी चेतना होती है। अभी फोटो देखिए, वेनलोक ओलंपिक्स आज भी होते हैं गाइस, ठीक है, वेनलोक जो ओलंपिक्स हैं वो आज भी होते हैं, तो प्लीज इसको याद रखिए गाइस, है ना, भूलना नहीं है। अभी इंग्लैंड में ये शायद वेनलोक ओलंपिक्स हैं जो करवाए गए हैं 2021 के। शुरुआत कहाँ से हो रही है? 1850 से, ठीक है, 1850 से एक वेनलोक नाम के इंग्लिश मैन होते हैं जिन्होंने एक वेनलोक ओलंपिक्स को स्टार्ट किया। अब गाइस जैसे बाद में आप देखेंगे कि ये जो बैरोन पायर्स हैं, है ना, इन्होंने इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की स्टार्ट की। अब फिर इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का मतलब, फिर पहले तो क्या होते थे कि एक ही देश के एथलीट होते थे, अब ये इंटरनेशनल स्टाइल इन्होंने शुरू की, मतलब पूरे वर्ल्ड के लोग यहाँ पे आएंगे, ठीक है। तो ये आप चिन्ह देख लीजिए, इसकी शुरुआत यहाँ से हो जाती है आपकी, ठीक है। तो बैरोन पीरस पैरे हैं, बैरोन पायरे हैं, ये एक एक चेतना मानी जाती है मॉडर्न ओलंपिक्स के पीछे की। ये देखिए, ये है बैरोन पैरस, ठीक है, इन्होंने इंटरनेशनल ओलंपिक्स कमेटी का गठन किया गया। उसके बाद में गाइज आपके जो ओलंपिक्स गेम है ना, वो स्टार्ट होने लगे, रेगुलर बेसिस पे आपके होने लगे, ठीक है। और पहला जो आपका ओपनिंग सेरेमनी होता है वो 1896 में आपका जो पेंथिनियाटिक स्टेडियम, वहीं से इसकी शुरुआत हो जाती है। फिर धीरे धीरे इनके स्टार्ट होने लगते हैं। एक चीज और याद रखना है, जो एंशियंट वाले थे उनमें वुमेन्स को अलाउ नहीं था, लेकिन जो मॉडर्न ओलंपिक्स है गाइज उनमें वुमेन्स की एंट्री भी अलाउड थी। मॉडर्न ओलंपिक्स है उनमें वुमेन्स की एंट्री भी अलाउ है। तो आपकी सार्लेट कूपर, ये पहली महिला थी जिन्होंने गाइस वुमेन ओलंपिक चैंपियन को जीता था, ये है आपकी सार्लेट कूपर। सार्लेट कूपर के द्वारा पहला आपका जो ओलंपिक चैंपियनशिप है उसको जीता गया है, इसको जरूर याद रख लेना गाइस, ठीक है। उसके बाद में आप देखोगे कि होता क्या है गाइस कि वर्ल्ड वार आपके स्टार्ट हो जाते हैं, वर्ल्ड वॉर आपके स्टार्ट हो जाते हैं, है ना। जैसे कि आप देखेंगे कि आपका जो वर्ल्ड वार है वो 1914 में से 1919 तक चलता है, ठीक है। तो इसके बीच में थोड़ा सा गैप आता है ना, वो ओलंपिक्स हो नहीं पाते। उसके अलावा ये ओलंपिक्स हैं हर साल आपके होने लगे, रेगुलर बेसिस पे आपके होने लग रहे थे, ठीक है। अब देखिए, एक तो 1900 वर्ल्ड वार सेकेंड हुआ था तब आपका गैप आता है, 1916 वाला नहीं हो पाया है, तो बाकी आपके हर चार साल के बाद आपके ये ओलंपिक्स होते हैं। समर गेम्स है और विंटर गेम्स है, समर और विंटर दोनों के दोनों आपके होते हैं। उसके अलावा गाइस जो स्किप किया गया है वो आपका 2020 का टोक्यो वाला स्किप हुआ था ड्यू टू कोविड। तो आप देख सकते थे कोविड कितना एक जबरदस्त महामारी थी कि ओलंपिक्स को कभी स्किप नहीं किया जाता था, लेकिन टोक्यो वाले ओलंपिक्स को आपको स्किप किया और फिर फाइनली टोक्यो में हुआ टोक्यो में हुआ गाइस। फिर विंटर वाले कब? बीजिंग में होंगे। फिर आपका 2024 में पेरिस में होना है, विंटर वाले आपके इटली में होंगे, फिर 2028 का लॉस एंजलिस में होना है। तो इस सारी की सारी डेट्स हैं जो टोक्यो के आने वाले अपकमिंग जो ओलंपिक्स हैं उनके बारे में दिए हैं गाइस। तो ये था एक ओलंपिक्स का इतिहास गाइस कि 2021 तक हम कैसे आए। तो आई होप आपको एक बहुत छोटी सी स्टोरी बहुत ब्रीफ में आपको पता लग चुकी होगी कि ओलंपिक्स की शुरुआत कहाँ से होती है, एंशियंट ओलंपिक्स, मॉडर्न ओलंपिक्स, वुमेन ओलंपिक्स, ये क्या चीज़ें हैं, इनकी शुरुआत कहाँ से होती है। तो अगर गाइज आपको ये सेशन पसंद आया तो एक बार आप सब लोग इस सेशन को लाइक कर दीजिए और एक बार आप सब लोग इसको शेयर भी कर दीजिए। अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए, और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए अगर आपको और भी चाहिए हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव वाले ना, तो आप कमेंट करके मुझे बताइएगा कि सर ऐसे वीडियो और भी बनाओ, या टॉपिक भी आप बता सकते हैं कि सर इस टॉपिक पर बनाइए, तो मैं आपको कोई एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो है वो आपके सामने बनाऊंगा गाइज। तो थैंक यू सो मच एवरीवन। अब थोड़ा सा बात हम कर लेते हैं गाइज आपके सब्सक्रिप्शन प्लान की। तो अगर आप
प्लस पे पढ़ना चाहते हैं, इंडिया के लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म पे पढ़ना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप अनएकेडमी का लर्निंग प्लेटफॉर्म इंस्टॉल कीजिए अगर आपने नहीं किया है। गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपके लिए अभी ऑफर चले हैं गाइस 6+2, ठीक है, और ये 31 अगस्त तक आपका वैलिड है, 31 अगस्त तक। तो 6+2 यानी 6 महीने के साथ में 2 मंथ का एक्स्ट्रा मिलेगा, एंड 12 मंथ के साथ में भी 2 मंथ का एक्स्ट्रा आपको मिल जाएगा। अब हम हर वेडनेसडे को आपके लिए एक नया बैच है वो शुरू होता है। रिसेंटली मैंने एक आपका पेपर फर्स्ट का बैच लॉन्च किया है, पेपर टू का भी बैच हम लॉन्च करने वाले हैं। ये आपके प्लान से 24 मंथ 12 मंथ, और रेफरल कोड आप अप्लाई करेंगे शिव10, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा 10% डिस्काउंट, यानी आपकी फीस है वो 10% यहाँ से कम हो जाएगी। ऐसे ही आइकॉनिक में भी आपका 10% फीस से कम हो जाएगा, 26,000 से आपकी हो जाएगी 23,400, इंस्टेंट -10 हो जाएगा आपका यहाँ से। बेनिफिट्स क्या होंगे प्लस एंड आइकॉनिक की जब हम बात करते हैं गाइस, तो आइकॉनिक में आपको ज़्यादा बेनिफिट है क्योंकि पर्सनल कोच, स्टडी प्लानर, स्टडी बूस्टर सेशन, पर्सनलाइज डाउट सॉल्विंग सेशन, SOPs, इंटरव्यू प्रिपरेशन, प्रिपरेटरी स्टडी मटेरियल, ये सब आपको मिलता है। उसके अलावा बैच कोर्सेज हैं, उनको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं गाइस। पेपर 1 पेपर 2 दोनों के बैच कोर्सेज आपके चल रहे हैं। अगर आपको कोई इन अप्रोप्रिएट कंटेंट लगता है तो डिस्क्रिप्शन फॉर्म दिया हुआ है, वहाँ से जाके आप बता सकते हैं, ठीक है। स्पेशल क्लासेस आप रेगुलर बेसिस पे लीजिए गाइस। पेपर 1 की जो स्पेशल क्लासेस होती है वो 4 बजे होगी, ठीक है, और पेपर 2 की क्लासेस होती है 7:30 बजे इन द मॉर्निंग। लेनी क्यों है गाइस, क्योंकि यहाँ पे इंटरेक्टिव लाइव सेशंस होते हैं, पोल्स का फीचर होता है, रेज अ हैंड का फीचर होता है, नेवर मिस अ क्लास का फीचर होता है, लेक्चर के नोट्स मिलेंगे एनी टाइम एनी वेयर, यानी कहीं पे भी आप क्लास ले सकते हैं, रिकॉर्डेड सेशन देख सकते हैं, ठीक है। तो आप अपकमिंग जो क्लासेस हैं वो आपकी 7:30 बजे, कल होगी आपकी पेपर 2, ठीक है, और पेपर 1 की 4 बजे होगी आपका, है ना, पेपर 1 की 4 बजे। लिंक आपको ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ से जाके आप फॉलो कर सकते हैं। अनलॉक कोड जरूर याद रखना है गाइस, अनलॉक कोड जो है वो है आपका शिव10, कैपिटल में शिव10 है। इस कोड को लगाएंगे तो जितनी भी मेरी क्लासेस हैं उनको आप आसानी से देख सकते हैं। ये शेड्यूल है मेरा, तो सारी क्लासेस को आप रेगुलर बेसिस पे लीजिए और इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ये प्रोफाइल है, अगर आपने फॉलो नहीं किया तो यहाँ से आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच एवरीवन, एंड टेक केयर, बाय बाय। अगर सेशन पसंद आया तो एक बार आप सब लोग लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सो बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन।